अमित शर्मा ने अपनी पत्नी डायरेक्टर आलिया सेन शर्मा के जन्मदिन और उनकी फिल्म बधाई हो की कामयाबी के उपलक्ष्य में एक पार्टी का आयोजन किया। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और सानिया मल्होत्रा, नीना गुप्ता, परेश रावल, रवीना टंडन, आर बल्की, गौरी शिंदे, विवेक मेहरा और गजराज राव इस जश्न में शामिल हुए। सोनाक्षी सिन्हा ने इस अवसर पर दबंग 3 की शुरुआत का भी ऐलान किया। कहा जाता है 30-40 हो गए तो उसके बाद फिर मदर्स के रोल मिलते थे, बट अब आपने स्पेशली वो परिभाषा ही चेंज कर दी। सो व्हाट यू लाइक टू से अबाउट दैट? मैंने नहीं चेंज की, अमित ने चेंज की और मैं ता जिंदगी जितनी जिंदगी बाकी है अमित की बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि अगर वो मुझे चांस नहीं देते तो शायद ये इस मुकाम तक मैं नहीं पहुंचती। और मुझे ही चांस नहीं, गजराज जी और सुरेखा जी और बहुत सारे और एक्टर्स हैं फिल्म में और एक ऑनसेंबल कास्ट है और ऐसा ही होना चाहिए। हीरो हीरोइन का ज़माना गया, होंगे अभी चलेंगे लाइक अमित सेड, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू अमित दैट ही सिलेक्टेड मी टू प्ले दिस पार्ट। अब ये ज़माना ख़त्म हो गया है। यू सी एक्ट्रेसेस, यू सी करीना, यू सी ऑल दीज एक्ट्रेसेस, प्रियंका, ऑल द बिगेस्ट स्टार्स आर गेटिंग मैरिड एंड दे आर नॉट रिटायरिंग, दे आर कमिंग बैक टू वर्क। वो अपना फिटनेस में हैं, फिट रहती हैं एंड दे कमिंग बैक टू वर्क। सो वो टाइम चले गए कि शादी हो गई तो ख़त्म। आई मीन इवन द बॉयज़ आर मैरिड एंड दे आर वर्किंग। पहले तो बॉयज़ भी शादी नहीं करते थे कि करियर ख़त्म हो जाएगा ना। ओके मैम, आपके मन में ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो जिस पर मूवी बननी चाहिए फ्यूचर, अभी तक नहीं बनी, ऐसा कोई सब्जेक्ट? हाँ, मेरे को लगता है कि औरतों के और सब्जेक्ट्स पर मूवी बननी चाहिए। मुझे लगता है कि गरीब औरतें जिस तरह से अपना जीवन जीती हैं उस पर मूवी बननी चाहिए। एक गरीब औरत जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं हमारी कंट्री में, और मेरे को उनसे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उनकी तकलीफ़ें देख के। तो मुझे लगता है कि सभी उपस्थित लोगों ने टीम बधाई हो को बधाइयाँ दीं।